मॉर्निंग, आज हम सिमेट्री एलिमेंट्स का जो बचा हुआ पार्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक बाय पॉइंट होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो पॉइंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल जिससे सेम डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में चलने पर या मूव करने पर सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट हो तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन है, इधर Cl है, इधर हाइड्रोजन है, इधर Br है एंड इधर Br है और इधर Cl है। जिस हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, सपोज देर इज ए पॉइंट प्रेजेंट इन दिस पोजिशन और इस ये दिस इज द पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। कारण क्या है, इस पॉइंट से इस साइड में चलो या इस साइड में चलो, ये जो डिस्टेंस है ये सेम डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहां तक की और इस पॉइंट से यहां तक की, और सेम एटम प्रेजेंट है। इसी प्रकार से इफ वी मूव फ्रॉम पॉइंट टू डाउनवर्ड साइड, दिस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड अपवर्ड साइड ऑल्सो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट द सेम डिस्टेंस लाइक दिस। ये जो डिस्टेंस है this and this also same means किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम अपोजिट डायरेक्शन में सेम दूरी चलने पर सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट हो तो उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे और उस मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल मींस वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, ये लोग कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी प्रकार से जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा जिसमें वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, सिमेट्रिक होगा इट मींस एकाइरल होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट या शो नहीं करेगा, नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब यह है कि अब इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री की यदि हम बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स एन एक्सिस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, इफ यू रोटेट द मॉलिक्यूल थ्रू मिनिमम एंगल वी गेट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और इक्विवेलेंट पोजिशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल। यानी हाँ, कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है
एक्सिस, सपोज करो कोई काल्पनिक एक्सिस है ये वाली, पासिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम, मीन्स एक्सिस पासिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम अप टू डाउन. इफ यू रोटेट द मॉलिक्यूल थ्रू 180 डिग्री एंगल, देन वी गेट दिस स्ट्रक्चर. अब आप ये कहेंगे कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है. सपोज करो दिस इज एच वन, दिस इज एच टू. आफ्टर द रोटेशन एच टू इज हियर एंड एच वन इज हियर. Means H1 is replaced by H2 and H2 is replaced by H1 after the rotation of 180 degree angle. It means in this molecule C2 axis is present. C2 axis is present. Means structure first and structure second both are equivalent, not identical. जी सॉरी, ये स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक नहीं है लेकिन एक जैसा है. यानी किसी भी मॉलिक्यूल को हम किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करते हैं तो मिनिमम एंगल से रोटेट करने पर जो यानी उसका कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आता है, तो वो जो मिनिमम एंगल से रोटेट किया उस होल्ड को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे. और चूंकि ये जो है 360 बाय 180 टू और एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय सी, दिस इज कॉल्ड सी टू एक्सिस. मीन जिस एंगल से हम रोटेट करते हैं उस एंगल का 360 में भाग लेकर के हम उसकी फोल्ड का पता लगा लेते हैं. यानी इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है और जिस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है दैट इज द मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिक. एक आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग alternating axis of symmetry is a type of axis. ये axis क्या होता है? Represented by S. S से इसको represent करते हैं. और इसमें होता है कि पहले तो हम किसी molecule को किसी x के परिधि rotate करते हैं और फिर इसको reflect करते हैं उसके perpendicular the plane. Means suppose करिए हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है 2-3 डाइहाइड्रोक्सीबुटेन. इफ यू रोटेट दिस मॉलिक्यूल थ्रू सी टू एक्सिस और 180 डिग्री एंगल, वी गेट ए न्यू स्ट्रक्चर लाइक दिस. Like this means इसको हम suppose करो CH3 और H, CH3 CH3 H और H. If you reflect then
दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड और स्ट्रक्चर थर्ड. स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अनुरूप है. यानी कि देखिए ये और स्ट्रक्चर ये एक जैसे हैं. यदि किसी मॉलिक्यूल को हम किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करते हैं और उस एक्सिस रोटेट करने के बाद जिस एक्सिस से हमने रोटेट किया उसके परपेंडिकुलर प्लेन से हम उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं. ये जो एक्सिस थी, इस वाली एक्सिस यो रोटेट कराया हमने इसको C2 एक्सिस से, एक्सिस पासिंग थ्रू C2 एंड C3 बॉन्ड. Then we get second structure and then reflect this molecule through the plane, we get third structure. यानी कि first और third equivalent structure है और ये होगी alternating axis. तो इसमें molecule में हम कहेंगे कि S2 axis of alternating is present in 2,3 dihydroxy butane. 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन. तो ये हमारा सिमेट्री एलिमेंट्स का जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ है. इसमें हम पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में चर्चा की हमने, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री शुरू में कर दिया था हमने, एंड देन अगेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस. थैंक यू.